दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसान आंदोलन तथा भारत बंद पर राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया है, बयान जारी किया है। सुनते हैं राहुल गांधी जी के बयानों को, उन्होंने क्या कहा है किसानों के लिए और सरकार के लिए। अरे मंडी को खत्म कर दिया जो नरेंद्र मोदी के तीन कानून कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान कहीं भी बेच सकता है। अरे भैया, किसान खेत के बाहर नहीं निकल पाएगा, सड़क नहीं होगी, कैसे जाके बेचेगा। नरेंद्र मोदी सोचते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे। पता नहीं उनको लगता है कि शायद किसान हवाई जहाज में उड़ के जाएगा अपना धान बेचने। नहीं, ऐसे नहीं होगा। किसान अपने खेत में के सामने अपना माल बेचेगा, मगर छोटे व्यापारी को नहीं, मंडी में नहीं, अंबानी और अदानी को। और जब किसान अंबानी और अदानी को बेचेगा, किसान उन दोनों के सामने नहीं खड़ा होगा। आज मंडी में आप माल बेचते हो, अलग अलग व्यापारी होते हैं, आप इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, कोई झगड़ा हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हो, पुलिस वालों के पास जा सकते हो, अफसरों के पास जा सकते हो। कानून के बाद आप अंबानी और अदानी को बेचोगे, जो रेट वो आपको देना चाहेंगे वो देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आप बेचोगे, आस्ते आस्ते आपकी जमीन भी चलेगी, जमीन पे मॉल बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, और आप बाहर से, क्योंकि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ना आपके बच्चों को, ना आपको अंदर जाने देंगे, ना आप उस फ्लैट को कभी खरीद पाओगे, आप बाहर से देखोगे। किसान आंदोलन तथा भारत बंद पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना बयान जारी किया है, बड़ा ऐलान किया है। देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। मित्रों, आज मैं आपके सामने कृषि कानूनों पर कांग्रेस के पाखंड को उजागर करना चाहता हूं। न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, स्वराज पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, एपीएमसी, मॉडल एक्ट के बारे में क्या कहती रही है, इसका खुलासा करना चाहता हूं। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, और इसलिए किसानों को भ्रमित करके अपनी राजनीति चमकाने का घृणित प्रयास कर रही है। मैं एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं, यह पत्र है श्रीमान शरद पवार जी का, जो मुझे लिखा गया था, और यह 2011 में लिखा गया, 2011। मैं तब भी चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और मैडम सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। पत्र विस्तृत है, आपको मैं दे दूंगा, और उसके बाद मैडम श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। ये कांग्रेस पार्टी ने उस समय एपीएमसी मॉडल एक्ट का समर्थन किया, मैडम की सहमति थी, मनमोहन सिंह जी की सहमति थी, वो प्रधानमंत्री थे। इतने नहीं, कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2019 में ये लिखा था, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से
मुक्त होगा। उनका ये घोषणा पत्र आप अब भी उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये बात है उनकी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था वह असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ईसीए 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। इतने ही नहीं, 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, जिनको ये पता नहीं होता कि प्याज जमीन के नीचे उगती कि ऊपर उगती है, उन्होंने ये कहा था कि एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे, मगर आज जब हमारी सरकार वही काम कर रही है तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। अब जो चीज एपीएमसी मॉडल एक्ट में है, मैं उसका उल्लेख भी आपसे करना चाहता हूं। एपीएमसी एक्ट में किसानों को मंडी के बाहर अपनी फसल बेचने का प्रावधान किया है। अभी किया है, मोदी जी की सरकार ने भी किया, लेकिन एग्जैक्ट यही बात कांग्रेस आज नहीं बरसों से कहती रही है। इसमें व्यापारी को पूरे प्रदेश में कहीं भी फसल खरीदने के लिए एक लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है, जो बात बरसों से कांग्रेस कहती रही है। मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी कहते रहे प्राइवेट मंडी खोलेंगे, ये प्रावधान करने की बात हमसे कहते थे चिट्ठी में शरद पवार जी। अब प्राइवेट मंडी खोलने का प्रावधान है, किसान को उनकी उपज बेचने के एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए, वो चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो किसी एक्सपोर्टर को बेचे, वो किसी फूड प्रोसेसर को बेचे। प्राइवेट मंडी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, डायरेक्ट परचेज सेंटर पर, घर में, खेत में, कहीं भी बेचे, ये शरद पवार कहते थे मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने के लिए हमसे। और यही बात जब आज एनडीए की सरकार ने की तो अब कांग्रेस विरोध कर रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल को ले जाने पर मंडी शुल्क ना लगे, ये एपीएमसी एक्ट मॉडल एक्ट में प्रावधान था जिसको हमें लागू करने की बात करते थे, अब ये लागू किया गया है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, एकदम यू टर्न ले लिया, पूरी तरह से पलट गई। और इतने ही नहीं, मोदी जी ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने नए अधिनियमों में उपरोक्त प्रावधानों को सम्मिलित किया है। ये सभी प्रावधान किसानों के पक्ष में है। 2011 में, आज से 10 साल पहले, मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा कृषि मंत्री शरद पवार द्वारा ये पत्र लिखा गया था जो मैंने आपको बताया है। एक और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2013 में यूपीए की सरकार ने देश के सहकारिता मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी, महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल जी की अध्यक्षता में, और इस कमेटी को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अपने सुझाव देने थे, इस कमेटी ने थी। और योजना आयोग के द्वारा भी 2011 में, योजना आयोग के द्वारा बाद में इस कमेटी ने कृषि उत्पाद या फसल के अंतरराज्यीय व्यापार के लिए अनुशंसा की गई थी और एक अधिनियम बनाए जाने की बात कही थी। 2014 में भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फल एवं सब्जी को एपीएमसी एक्ट या मंडी अधिनियम से डीनोटिफाई करने का निर्णय कांग्रेस शासित राज्यों ने लिया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के वर्ष 2011 की प्रकाशित रिपोर्ट में मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू
प्रावधान था। योजना आयोग के एग्रीकल्चर मार्केटिंग के वर्किंग ग्रुप ने सन 2011 का प्रतिवेदन द्वारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के प्रावधानों को केवल आपात स्थिति इमरजेंसी में लागू करने की अनुशंसा की थी। अब ये सब वो बातें हैं जो आज तीनों किसान कानूनों के माध्यम से बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने की है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, श्रीमती सोनिया गांधी जवाब दें। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं श्री मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, उनको भी अपना मुंह खोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं, तब एपीएमसी मॉडल एक्ट लागू करने के लिए आप जमीन और आसमान एक कर रहे थे, आज जब किसानों के हित में ये कानून बना दिए गए तो आप जमीन को सर पर उठा के घूम रहे, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, एकदम यूटर्न। ये पाखंड नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये फरेब नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये सस्ती राजनीति नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पे अपने आप को जीवित करने राजनीतिक रूप से, इसके प्रयास नहीं है क्या? इसका जवाब मैडम आपको देना पड़ेगा, शरद पवार जी आपको भी देना पड़ेगा। आप एमएसपी की बात करते हैं, मैं आज कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार साफ साफ ये कहा है, एमएसपी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। और इसी साल अलग अलग 6 फसलों के एमएसपी बढ़ाए गए। सोनिया गांधी जी ये भी जान लीजिए, मनमोहन सिंह जी और राहुल बाबा भी, आप कितना खरीदते थे एमएसपी पे और हम अनाज कितना खरीदते। मैं कहना चाहता हूं जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आई, यूपीए ने 2009 से 2014 तक पेड़ी धान खरीदी केवल 2.06 लाख करोड़ रुपए की, और एनडीए ने खरीदी 2014 से 2019 के बीच 4.95 लाख करोड़, 240% की वृद्धि उसमें हुई। यूपीए के समय गेहूं खरीदा गया 1.68 लाख करोड़ का, एनडीए ने खरीदा 2.97 लाख करोड़ का। दलहन पलसेस अगर उसके बाद ऊपर जाए तो यूपीए ने खुद केवल खरीदी 645 करोड़ रुपए, एनडीए ने 49,000 करोड़ रुपए की खरीद की। तिलहन, ऑयल सीड और कोपरा यूपीए ने केवल 2,460 करोड़ रुपए की खरीदी और एनडीए की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की खरीदी। अब ये एमएसपी के नाम पे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ डीएमके जो आज कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रही है और इसी मुद्दे पर भारत बंद का समर्थन कर रही है, लेकिन यही डीएमके 2016 के विधानसभा चुनाव में कृषि सुधार बिल को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुकी है। उसमें डीएमके ने वादा किया था कि सरकार में आने पर वो किसानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेगी ताकि किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी उपज को अधिक दाम पर बेच सके, और इसके लिए उसने कंप्रहेंसिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्सचेंज बनाने का भी वादा किया था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद जी तो बिना पैंदी के लोटे हैं, कब किधर खिसक जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आज भारत बंद का आगे बढ़ बढ़ के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 23 नवंबर को ही ये कानून लागू के लिए कार्य करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई।
अब पलट के विरोध कर रहे हैं। एक स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव है, वो मोदी जी से सवाल पूछते थे। एनडीए के सरकार बनने के 3 साल बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ नहीं किया। तब वो एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ नहीं किया ये आरोप लगा रहे थे। आज किसानों के नाम पे राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी दिल्ली को बंद करने की बात कर रहे हैं। अकाली दल ने भी 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में अकाली दल के सांसदों ने कहा था एपीएमसी भ्रष्टाचार और राजनीति का अड्डा बन चुकी है, वहां बिचौलियों और दलालों का बोलबाला रहता है। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि एपीएमसी किसानों के हित में नहीं है। और 3 जून 2020 को जब इस पर ऑर्डिनेंस लाया गया तब भी अकाली दल सरकार के उस फैसले के साथ था। समाजवादी पार्टी जब संसद की आज भारत बंद की बात करती है, लेकिन जब संसद की स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हो रही थी तो 12 दिसंबर 2019 को 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक आदरणीय मुलायम सिंह जी का बयान समाजवादी पार्टी के दोगलेपन को प्रदर्शित करता है। मुलायम सिंह जी ने सुझाव देते हुए कहा था कि एपीएमसी की आलोचना की थी और कहा था इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। तब नुकसान हो रहा था, अब फायदा होने लगा। शिवसेना संसद की स्टैंडिंग कमेटी में शिवसेना के सांसद विनायक भावराव राउत भी सदस्य थे, जिन्होंने एपीएमसी के बारे में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस और एनसीपी समेत अन्य दलों के साथ मिलकर सुझाव दिया था। आज शिवसेना के राग भी अलग है, टीएमसी के तो कह रहे क्या है। तब उनके सांसद अबू ताहिर खान ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कहा था एपीएमसी को बदलना चाहिए। लेफ्ट पार्टियां यूपीए की सरकार में शामिल थी जब मॉडल एक्ट की बात हो रही थी, और अब तो टीआरएस अभी तक कुछ नहीं बोले, लेकिन अचानक नींद से जग गए और उठ के कहने लगे क्या धमाका के बाद और हैदराबाद के बाद, कह रहे मैं भी भारत बंद का समर्थन कर रहा हूं। धन्य मुख्यमंत्री जी, अब तक कहां नींद में सो रहे थे। मैं कहना चाहता हूं एक कानून कृषि कानून तब लागू हुए थे जब बिहार के चुनाव चल रहे थे, लगभग 12 राज्यों में बाय इलेक्शन हुए थे। मध्य प्रदेश में तो आम चुनाव ही था, सीधे सीधे हम और कांग्रेस लड़ रहे थे। कांग्रेस को हमसे 10% कम वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शानदार जीत हासिल की है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सहित गुजरात जो रूरल सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी जीती, और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी जीती। अगर इसके विरोध में होते किसान तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय कैसे हासिल करती। मैं इन सब दलों से कहना चाहता हूं ये पाखंड ना करें, ये भ्रमित करने का काम ना करें। कांग्रेस का तो काम ही रहा है आग लगाओ, हिंसा फैलाओ, अशांति पैदा करो। मैदान में मुकाबला नहीं होता मोदी जी से, उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो भड़का के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो। और इसलिए कल भारत बंद का आह्वान का अजब वो कहा भी नहीं से। किसान नेता ये कह रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी बहाने घुस जाओ, भारत बंद में शामिल हो जाओ और देश में अव्यवस्था फैलाओ। मैं इन दलों की कड़ी निंदा करता हूं। जहां तक किसानों का सवाल है, सरकार के द्वार किसानों के लिए सदैव खुले हैं। हमारे कृषि मंत्री और बाकी मंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं जोर देकर, ये तीनों किसान कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, चर्चा के लिए द्वार खुले हैं, लेकिन जो लोग भारत बंद का समर्थन जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं
उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनसे कहता हूं कि ऐसी राजनीति उनके आधार को नहीं बढ़ा पाएगी। और तेलंगाना में भी यहाँ के मुख्यमंत्री समझ लें, जनाधार छोड़ता हुआ देख के, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देख के अब उनके पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले ये मुद्दा उनके दिमाग में नहीं था। मैं उनकी भी निंदा करता हूं, मुझे तो इतनी कहना। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankhabar.in, तो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।